हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंजू मलिक। तो आज मैं लेकर आई हूं मीशो का एक मेकअप हॉल लेकर आई हूं जो कि मुझे सिर्फ 150 रुपये का मिला है। तो उसमें ना सारा जो भी उसमें सारा मेकअप आया हुआ है। तो आज हम उस मेकअप को ट्राई करके देखेंगे और किस तरीके से वो काम करता है उसमें ये भी देखेंगे। सिर्फ 150 रुपये का। तो देखो इसमें है ना एक सीरम आया है ना मेकअप में और ये प्राइमर आया है। प्राइमर जेल फॉर्म में, जैसे एकदम जेल होता है ना उस तरीके का ये प्राइमर आया है इसमें, है ना। सस्ता है लेकिन ये सारी चीजें कॉपी है ना, ओरिजिनल बिल्कुल भी नहीं है। और ये पूरी बोतल भर के ना फाउंडेशन आया है, इतनी मतलब 150 में इतना सारा फाउंडेशन दिया है उन्होंने। और फिर इसमें एक कंसीलर भी है इस तरीके से। ये देखो कंसीलर एकदम पतला सा कंसीलर, मतलब जैसे हम लगाएंगे तो ये ज्यादा ही पतला सा कंसीलर है। और ये कॉम्पैक्ट पाउडर हुडा ब्यूटी, इसका नाम है, ये कॉपीज है सारी, है ना। तो ये हुडा ब्यूटी जो कॉम्पैक्ट है सेट करने के लिए ये। अब मेकअप को फिक्स करने के लिए इसमें मेकअप फिक्सर तो दिया है, लेकिन देखो इसके ऊपर कोई नाम वाम कुछ भी नहीं दिया है। और ये बोतल में पता नहीं क्या भर के दिया है। अब मैं आपको इसको यूज करके बताऊंगी कि हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने सीरम लिया है, तो मैं सीरम को अपने फेस पे लगा लूंगी। इसको मैं ना अच्छे तरीके से सीरम को लगाऊंगी अपने फेस पे। तो देखो वैसे तो मेरी ऑयली स्किन है, लेकिन आपको मैं लगा के दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। देखो मीशो से मेकअप है ना कॉपीज ज्यादा आती हैं, तो इस तरीके से ये सीरम आया है। अब देखो इसमें है ना, जैसे अपन जो मशीन का ऑयल होता है ना मशीन में डालने के लिए, उसमें इसमें से ना ऐसी स्मेल आ रही थी। तो वही मैं इसके लेके अपने फेस पे लगा तो लिया, लेकिन मैंने पहले सीटीएम कर लिया, अच्छी तरीके से सीटीएम कर लिया मैंने ना अपने फेस पे, तो उससे क्या बच जाएगा। अब मैं इसको, ये ना ऑयल ज्यादा ही चिपचिपा था, पहले मैं इसको हल्के हाथ से मसाज करके ना एक जो कॉटन होती है ना उससे हल्का हल्का मैंने इसको पोंछ भी लिया था कि ज्यादा ऑयल नहीं हो जाए, क्योंकि गर्मी भी बहुत है, मेरी स्किन भी ऑयली है। और पता नहीं ये किसका ऑयल है, इसमें नाम वाम कुछ भी नहीं लिखा, जैसे कोई जो बोतल पे ना नाम आता है ना इसका नाम लिखा नहीं है कुछ भी, और क्या क्या है इसमें कुछ भी लिखा नहीं है। तो देखो अब ये मैं लगाऊंगी प्राइमर, तो ये नेचुरल प्राइमर लिखा हुआ है इस पे। ये बिल्कुल जेल होता है ना, जेल फॉर्म में था, अच्छे जैसे अपन कोई फेशियल किट में जेल आता है ना उस हिसाब से था, बहुत ही पतला भी था। तो देखो ये मैंने लिया है प्राइमर की तरह यूज करने के लिए, प्राइमर यूज करने के लिए। तो देखो मैं आपको हाथ पे लगा देती हूँ, बिल्कुल भी जैसे है ना शाइनिंग होती है ना प्राइमर में वो बिल्कुल भी नहीं है। बस ये क्या पानी की तरह फैल गया, पूरा जेल होती है ना जेल पानी की तरह फैल जाता है। अब मैंने क्या किया, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके अपने फेस पे हल्का हल्का सा लगा लिया है। अब मीशो से मेकअप लिया है, पूरी मेकअप किट आई है इसमें, तो 150 में ऐसा ही आएगा, कोई ज्यादा अच्छा थोड़ा ना आएगा। अब ये देखो पूरी कितनी बड़ी बोतल भर के दी है उन्होंने फाउंडेशन। अब देखो ये फाउंडेशन कैसा है, जैसे बीबी क्रीम होती है ना, बीबी क्रीम में हमने आटा मिला दिया हो इस तरीके से, थे इसमें से स्मेल ठीक ठाक आ रही थी। अब देखो मैंने इसको बहुत लगाया है, मतलब 3-4 इसकी लेयर लगा ली है, तब भी मेरे फेस पे कोई असर नहीं दिखा इसका ज्यादा ना। तो देखो ये मैं फिंगर से लूंगी, थोड़ा थोड़ा लग करके इसको लगा लूंगी, आपको ब्लेंड करके बताऊंगी। तो देखो अगर आप इस किट को खरीदने की सोच रहे हो ना तो बिल्कुल मत खरीदो, क्योंकि मतलब अच्छी नहीं है ये ना, कोई भी प्रोडक्ट इसमें अच्छा नहीं है। इसमें लिपस्टिक वगैरह तो कुछ आई नहीं है, 3-4 चीजें ही आई हैं। अब देखो मैं हाथ पे लगा के बता देती हूँ ना, बहुत ही इसमें जो भी प्रोडक्ट आए सारे पतले बहुत हैं ना। तो देखो मैंने हाथ से लगा दिया, अब ये क्या हल्का सा ही इसमें फर्क दिख रहा है। अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से क्या करूंगी, ब्लेंड कर लूंगी। अब इसमें क्या था पता है, जब मैं इसको ब्लेंड कर रही थी ना तो ये ब्यूटी ब्लेंडर में जा रहा था, हल्का हल्का फेस पे लग रहा था, मतलब कुछ भी कवरेज नहीं है। मैं ऐसे नहीं बोली कि थोड़ी सी कवरेज है, ये ज्यादा नहीं है, कुछ भी कवरेज नहीं इसकी। तो मैंने इसको ना पहले 3-4 लेयर लगाई है ये वाला, जब थोड़ा सा दिखा है मेरे फेस पे ना, तो इस तरीके से। अगर देखो अगर आपको मेकअप चाहिए सस्ता तो ठीक है, लेकिन ये अच्छा नहीं है, है ना, बिल्कुल भी अच्छा मेकअप नहीं है। तो अब मैंने इसको दोबारा लिया है, तो इसको मैंने ना दोबारा लगा के फिर फिंगर से और लगाया है कि थोड़ी बहुत कवरेज तो आई है, बिल्कुल भी ऐसा लगा कुछ लगा ही नहीं है फेस पर ना, बिल्कुल भी कवरेज नहीं। तो मैंने इसको दोबारा लिया है और मैं इसको अब क्या करूंगी, नेक पे भी लगाऊंगी, थोड़ा सा लेवल सही हो जाए इसमें, है ना। तो इस तरीके से और ब्यूटी ब्लेंडर से क्या करूंगी, फिर मैं इसको सेट कर लूंगा अच्छी तरीके से। तो देखो इस तरीके से मैंने लगा लिया है, अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको सेट कर लूंगी। अब मीशो पे ना काफी अच्छे अच्छे ऑफर तो चलते हैं, लेकिन जो मीशो की चीजें है ना मेकअप, खासकर मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। और आप चेक करके देख लेना, इनके रिव्यू पढ़ के देख लेना, है ना, अगर आपको लेनी हो तो। और इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर लेना। ब्यूटी ब्लेंडर से उसको अच्छे से सेट करना है। अब देखो सेट तो कर ही रही हूँ मैं, पर बिल्कुल भी कवरेज नहीं आ रही मेरी, है ना। अब मैं इतना ही लगाऊंगा, अब इससे ज्यादा मैं नहीं लगा सकती क्योंकि गर्मी हो रही थी उसमें रूम में बहुत ज्यादा, और मुझे पसीने ही बहुत आ रहे थे। अब मैंने ये लिया है, अब इसको अच्छे से सेट करने के बाद, है ना, मैं लगा लूंगी। अब देखो इससे अच्छा तो बीवी की नहीं, मैंने थोड़ी सी लगा उससे काम हो जाता है। अब इसको तो मैं 4-5 बार लगाती ही आ रही हूँ, पर इसकी कवरेज बिल्कुल भी नहीं आ रही। ये मैंने थोड़ी सी आंखों पे जो मेरे डार्क सर्कल हो रहे हैं उनको छुपाने की कोशिश कर रही हूँ बस, बाकी हो नहीं रही है बिल्कुल भी, है ना।
तो इस तरीके से ये मैंने फाउंडेशन लगा लिया। अब इसके बाद मैं लगाऊंगी कंसीलर। अब ये कंसीलर भी पता नहीं अजीब से कंसीलर आया है, तो कंसीलर लगा दूंगी। अब अपनी जो फेस का हाईलाइट करने के लिए ना कंसीलर लगाएंगे, तो एक कंसीलर लिया है मैंने। देखो जो मेरे डार्क सर्कल है ना वहाँ उनको छुपाऊंगी पहले इस तरीके से, और ज्यादा ज्यादा लगा रही हूँ मैं इसमें क्योंकि कवरेज तो है नहीं, तो मतलब लग जाए इसी तरीके से। अगर आपको किसी टॉपिक पर किसी भी मेकअप पर वीडियो चाहिए ना तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर है ना बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। अब इसको मैंने ये आंखों पे लगा लिया है हाईलाइट एरिया, जो माउथ एरिया ना जो ब्लैक होता है, ज्यादातर लोगों को ब्लैक होता है माउथ एरिया, इसको मैं अच्छी तरीके से हाईलाइट कर लूंगी। इससे क्या होगा मेरा जो फेस है ना, फेस की शेप अच्छी आ जाएगी और हाईलाइट हो जाएगा। तो ये मैंने देखो प्रोडक्ट मेरा खूब भर भर के लिया है, प्रोडक्ट में मैंने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की है। तो ये देखो मैंने इस तरीके से लगा लिया, इसको मैं ब्लेंड कर लूंगी है ना। तो वो ब्लेंड करने का मतलब फाउंडेशन से थोड़ा ठीक था कंसीलर, मतलब थोड़ी बहुत कवरेज थी उसमें, तो इस तरीके से मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी। अब इसको ब्लेंड करने के बाद है ना मैं इसको सेट और करके बताऊंगी आपको। तो ये पहले मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। और ये कंसीलर है ना, कंसीलर जो हमारा फेस होता है उसको हाईलाइट करने के लिए होता है और अपने डार्क सर्कल वगैरह छुपाने के लिए भी होता है। अब ये देखो जो कॉम्पैक्ट पाउडर है, नाम हुडा ब्यूटी है, लेकिन ये लोकल भी होते हैं ना, वो भी वैसा भी काम नहीं कर रहा था। बस लिया थोड़ा सा लगा के मैंने जो फाउंडेशन है उसको सेट करने की कोशिश की है। देखो काफी अच्छी तरीके से मैंने इसको है ना टच करके लिया, मतलब इसमें प्रोडक्ट मैंने लिया है ना, खुशबू अच्छी आ रही थी, मतलब जैसे आती है नॉर्मल सी। तो इसको मैंने लिया और उसको लगा दिया है ना। इससे क्या होगा हमारा जो फाउंडेशन है इसमें लाइनिंग भी बनेंगी और हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट हो जाएगा इस तरीके से। ये सेट हो गया है ना। अगर आप कोई भी क्रीम प्रोडक्ट लगा रहे हो तो इसको सेट करना जरूरी होता है इस तरीके से। देखो मैंने सेट कर लिया है। अब इसको सेट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी बस है ना। अब मेकअप फिक्सर, अब जब तक मेकअप को फिक्स नहीं करेंगे जब तक हमारा मेकअप उतर जाएगा ना, तो इसमें अब मेकअप फिक्सर तो आया, लेकिन जो बोतल आई है ना उसके ऊपर कुछ भी नाम नहीं लगा, ना कोई रेफर है, कुछ भी नहीं है, बस ब्लैक बोतल में कुछ भरा हुआ है, पता नहीं क्या है ना। तो मैं उससे ही आपको मेकअप को फिक्स करके बताऊंगी। जो नेक एरिया वगैरह मैंने फाउंडेशन लगाया ना इसको सेट कर लूंगी ना। अब ये मैंने देखो ये इस तरीके से बोतल आई है पूरी फिक्सर की। प्रोडक्ट काफी बड़े बड़े आए हैं लेकिन सारे लोकल है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो ये देखो इसके ऊपर बिल्कुल भी नाम नहीं लगा, जो बोतल के ऊपर नाम नहीं है। तो इसको मैं फिक्स कर लूंगी, पहले मैं चेक कर लूंगी क्योंकि इसकी स्प्रे खराब तो नहीं है। तो इसकी स्प्रे तो ठीक थी, मैंने अपने फेस को अच्छे से मेकअप वो फिक्स कर लिया है, मेकअप को फिक्स कर लिया है ना। अब ये मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको सेट कर लूंगी इस तरीके से। अब मैं आपको बता देती हूँ अपना फाइनल लुक बताऊंगी। और इसमें मैंने क्या किया, हल्का सा ब्लशर लगा लिया है ना, और ब्लश लगाने के बाद थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली है। इस तरीके से मैंने मेकअप किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी माने तो इस मेकअप को बिल्कुल मत खरीदना ना, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं, बहुत ही गंदा है। तो इस तरीके से ये मैंने लिपस्टिक लगा के ना ब्लश लगा के ज्यादा अच्छा लग रहा है मेकअप, बाकी वरना बहुत ही गंदा लग रहा था। ये कैमरे में थोड़ी बहुत सफाई आती है, ऐसा रियल में जब मेकअप दिखाते हैं रियल में ऐसा नहीं होता है ना। तो इस तरीके से अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।